भारी गांव में सिर्फ एक परिवार प्रजापति समाज का रहता है। सरपंच की दादागिरी के बारे में बता रहा हूं। राजपूत समाज से सरपंच है और उन्होंने निर्मला नाम की एक औरत अपने घर के सामने गली में गोबर पाथ रही थी। सरपंच ने कहा कि यहाँ गोबर नहीं पाथना। उसने कहा जी गलती से होगा, हम ये गोबर उठा लेंगे यहाँ से। सरपंच ने उसको गंदी गंदी भद्दी गालियां दी और उतर के उनके साथ हाथापाई करी, थप्पड़ मारे उस औरत को। ये कैसी दादागिरी है सरपंच की। और फिर पुलिस के पास जब जाते हैं तो पुलिस कहती है कि सरपंच तो सरकारी आदमी है, क्या कानून तोड़ना सरपंच को स्पेशल ऑथराइज करा गया है कि वो कानून तोड़े। उस औरत ने जब उसको पीटा, उसके बाद जब सरपंच के जो उसके गोबर के हाथ लगे तो सरपंच कहता है मेरे साथ हाथापाई कर रही थी। उसकी कहां औकात थी बेचारी की, जिस तरीके से उसे पीटा। और उसके बाद उसका बेटा है, जब देखा उसकी माँ को पीट रहे हैं, उसने उन्हें छुटाने की कोशिश करी तो सरपंच ने पूरे गांव को झूठा ये कह के कि मेरे साथ हाथापाई हुई है, और पूरा गांव इनके घर में घुस गया। हमने पूरा घर देखा है, घर का गेट तोड़ दिया, घर के अंदर से शीशे टूटे हुए, बेड टूटा हुआ है। किस तरीके से सरपंच ने दादागिरी दिखाई। और पुलिस कहती है कि सरपंच सरकारी आदमी होता है, देख लिया सरकारी आदमी। गांव में चाहे एक परिवार हो और चाहे अनेक परिवार हो, इस तरीके से आज तक हमने नहीं देखा। ये तो तुगलक की फरमान, दो दिन पहले पंचायत हुई, उसमें तीन गांव के सरपंचों ने इकट्ठे होके कहा कि इनका दाना पानी बंद कर दो, इनको खेतों में घास नहीं लेने देंगे, इनके लिए इनको खेतों गांव में सामान नहीं लेने देंगे, इनके साथ कोई बोलचाल नहीं करेगा। और इनको स्पेशल धमकी दी सरपंच ने कि गोली मार दूंगा अगर आप लोगों ने मेरे खिलाफ कार्रवाई करी तो, इस गांव से आपको बेदखल कर देंगे। ऐसी दादागिरी, हम अभी एसपी भिवानी से मिलेंगे और उन्हें इस बात से अवगत करा के इनको न्याय दिलाने का काम करेंगे, चाहे हमें मुख्यमंत्री तक जाना पड़े। इसके लिए हम मुख्यमंत्री के पास जाएंगे। ये सारी घटना जाटू लोहारी गांव की, धन्यवाद। उसी को दबा दे। मेरी मम्मी गोबर थापने के लिए गई थी तो सरपंच उधर आया तो उसने बोला कि यहाँ गोबर क्यों थाप रहे हो, तो मेरी मम्मी ये कहने लगी कि हम उठा लेंगे यहाँ से। तो वो उस गाड़ी में से उतर के ये बोलने, वो थप्पड़ पहले तो थप्पड़ मारा, फिर गंदिया गंदिया गाली दी, और फिर मेरी मम्मी के गोबर के हाथ थे तो उसके बीच बचाव के लिए तो अपने बचाव के लिए तो सभी कोशिश करते हैं। तो मेरी मम्मी ने जैसे हाथ वो करे तो उसकी शर्ट पे गोबर के हाथ लग गए होंगे। तो फिर उसने हमारे घर में आके मारा पीटी करी और ऊपर से औरों के पास फ़ोन कर दिया कि इसने मेरे साथ बदतमीजी से बात करी और बदतमीजी करी, हमला करा मेरे साथ, और आदमियों को लेके हमारे घर में घुस गए, हमारा गेट वेट तोड़ दिया। अब फिर इतने मेरे देवर आए तो उन्होंने देखा तो मेरी मम्मी को देखा, मेरी मम्मी के कपड़े वगैरह सारे ख़राब हुए पड़े थे और फटे भी पड़े थे, तो उन्होंने बचाया जैसे। और गुंडे थे जो मतलब और भी जेंट्स थे वो मारा पीटी कर रहे थे तो उनको भी मारा मेरे देवर को, और फिर उनकी तो अभी पता ही नहीं है कहाँ है कहाँ नहीं है। और फिर औरों को बुला के अंदर घर के अंदर घर में तक मारा और हमारे सारा सामान तोड़ फोड़ कर दिया।